प्रोटेस्ट कराते किसी का है नैब प्रोटेस्ट कराते क्या होता है नार्कोटिक्स क्या होता है नार्कोटिक्स किसी ने कुछ उगलाना होता है उसके शरीर में से कुछ मशीन लगाते हैं उसका सच होता है उसमें क्या उसका बेहद कार्य क्या होता है सब चीजों का बेहद कार्य क्या होता है जो बाप ने मुरलियों में बातें बताई हैं उनमें बुद्धि नहीं चलेगी कहां कहां बुद्धि घूमती रहती है हॉस्पिटलों में जाने कहां कहां क्या होता है ये नार्कोटिक्स है उसको पहले इम्प्रोडाइज करते हैं फिर ब्लड उसको कहते हैं इम्प्रोडाइज जिससे कुछ उगलवाना हो सच बात अगर कोई क्रिमिनल होगा ना हाँ वो सच नहीं बोलता होगा हाँ उसको ड्रग्स देते हैं हाँ वो सब सच बोलते मैंने हॉस्पिटलों में करते हैं सर हैं आतंकवादी होगा आतंकवादी होता है हाँ हॉस्पिटलों में ही तो करते हैं डॉक्टर लोगों ने ऐसी कोई प्रक्रिया निकाली है तो यहाँ भी धर्मराज बैठा है ना बड़ा तो बड़ा डॉक्टर साक्षात्कार कराए कि सजा देगा सच्चाई उगलवाएगा जब तक सच्चाई साबित नहीं होगी तो सजा थोड़ी मिलेगी और इसका मतलब ये हुआ कि जो अब बाप आया हुआ है और निश्चय पत्र भी लिख करके दे दिया है स्टाम्प पेपर में लिख करके दे दिया है सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है हमें पक्का निश्चय है कि भगवान बाप आया हुआ है बाप हमारा भगवान है लिख के दिया है कि नहीं फिर कर्म क्या कर रहे हैं कर्म तो वो ही होना चाहिए जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा हाँ बोलो दूसरा धंधा क्यों जबकि बाप ने बताया दिया है सब धंधों में है नुकसान और देखते भी जाते हैं कि जो अच्छे अच्छे कल कारखाने चल रहे थे वो सब बंद होते जा रहे हैं जो सच्चाई से काम करते हैं उनको तो बंद ही कर देते हैं हाई जंप लगाने का मतलब है कि ऐसा तीखा पुरुषार्थ करना जो सदाकाल की ये निराकारी स्टेज बन जाए वो है हाई जंप चाहे कि हम देवान में आ जाएं तो भी देवान में बुद्धि न उतरे नीचे उतरने में तकलीफ हो लेकिन ऊपर चढ़ने में कोई तकलीफ महसूस न हो और ज्ञान मार्ग में पवित्र है अच्छा तुम सब द्रौपदियां हो बाबा कहते हैं ना तुम सब द्रौपदियां हो तो सब पवित्र है दुर्योधन खींचातानी नहीं करते किसी को है किसी को छोड़ देते हैं अरे किसी के जीवन में कोई बालिग ऐसा है छोटे बच्चों की बात छोड़ दो ऐसे तो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं आजकल
मुरली ने तो बोला है बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता। फिर भी बच्चों की बात छोड़ दो, जो बालिग उम्र के हो गए हैं वो अपने जीवन का अनुभव बताएं, क्या द्रौपदी की तरह दुर्योधन दुशासन पीछे नहीं पड़ते हैं? है? तो सब द्रौपदियां हैं ना, तो पांच पति होना कोई बड़ी बात हो गई क्या? बॉम्बे का वार्तालाप चल रहा था उस टाइम मैं बोला बोला था कि बाबा आप चाली जाने आक्रम करा दोनों, लेकिन मैंने बाद मैं ऐसा बोल रहा था आपने बोला रावण संप्रदाय है, आप रावण संप्रदाय हो चाली जाने है तो मुरली में क्या बोला है? हाँ तो इसके बारे में मुरली में क्या बोला ये बताओ। मुरली बोला है कि बाप करण 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 वो है जान 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 हार बाप है नहीं शिव बाप, ये थोड़े ही ये बोला कि शिव बाबा जानी जानन हार है या जानी जानन हार नहीं है? शिव बाबा नहीं। मुरली में क्या बोला? शिव बाबा नहीं, शिव बाबा जानी जानन हार नहीं है, तभी तो पोता में लेते हैं। तो अगर जानी जानन हार है तो पोता में लेने की दरकार है नहीं? नहीं, तो श्रीमत के बरखिलाफ अगर कोई बोलता है तो तो लेकिन मैंने इसको विचार सर्वमंत्र करने के बाद मैंने अभी ऐसा फैसले किया है बाबा कितने बोलेंगे ना बाबा जाने जाने नहीं है शिव जाने जाने है बाबा करण करण ठीक है, वो एक अंतर्यामी है एक बहिर्यामी है। जो नीचे स्टेज वाली आत्मा है वो बहिर्यामी है और जो सदैव ऊंची स्टेज वाली आत्मा है सुप्रीम सोल वो अंतर्यामी है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं है। तो इसलिए मैं पुरुषार्थी शिव बाबा है शुभ पुरुषार्थी और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो शिव बाबा शिव बाबा पुरुषार्थी शुभ पुरुषार्थ करने वाला है ऐसा मैंने ऐसा किया सोचा शेर आया शेर आया तो ये शेर तो क्षेत्र से आया क्षेत्र से आया यज्ञ के आदमी नहीं कहते थे एक दो साल में विनाश हो जाएगा है आदमी भी कहते थे फिर क्षेत्र के लिए भी बोला फिर 2000 के लिए बोला कितनी बार हो गया तीन बार हो गया नहीं 12 में तो दुनिया वाले बोल रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में बोला गया क्या तो बीके वाले तो वो तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं है उनके बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं 2018 में बोला जा रहा है स्थापना होगी तो विनाश भी होगा तो 2-4 बार ऐसे बोला शेर आया नहीं तो लोगों ने समझ लिया ये तो गपोड़े मारते हैं विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला दुनिया ऐसे ही चलती रही है हजारों साल से और ऐसे ही चलती रही लेकिन एक टाइम ऐसा भी होगा विनाश चारों तरफ विनाश ही विनाश मौत ही मौत दुनिया में मौत का बाजार खुल जाएगा। वो फाइनल पेपर होगी क्या फाइनल परीक्षा होगी अच्छा वो 500-700 करोड़ की फाइनल परीक्षा में हमारा नंबर लगना चाहिए नहीं नहीं, नहीं क्या एडवांस वालों की एडवांस वाले भी कोई है थोड़े थोड़े ही है एडवांस वाले तो 9 लाख भी हो जाएंगे 9 लाख आत्मा एडवांस में हो जाएंगी पक्की 84 जन्म लेने वाली है
18 तक, ये क्या 18 तक क्यों? 18 तक तो 40 वर्ष होते हैं पूरे। मुरली में तो बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो 40 वर्ष तो शुरुआत है सतो प्रधान बनने वालों की, अंत नहीं है। जो सतो प्रधान बनने वाली 9 लाख आत्माएं हैं उनका अंत तो 50 वर्ष पूरे होंगे तब अंत होगा। और के चित्र में कितने रथ बैठे हुए हैं नीचे? अरे झाड़ के चित्र में नीचे जो रथ बैठे हुए हैं वो कितने रथ बैठे हुए हैं? रथ माने शरीर। अरे कितने बैठे हैं? 10 बैठे हैं, तो वो ही 10 राम के बाप हैं। रावण के सिर कितने होते हैं? 10 सिर होते हैं। यज्ञ के आदि से लेकर के जब तक राम की आत्मा दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में नहीं आती है तब तक वो 10 रथ तैयार होते हैं। आप तो नारायण, सतयुग में कितने नारायण होंगे? 8 नारायण होंगे। और यज्ञ के आदि में एक प्रजापिता था और एक प्रजा माता भी थी, तो टोटल मिला के कितने हुए? 10 रथ हैं। जब वो 10 रथ बेसिक ज्ञान में निकल आते हैं तब राम की आत्मा दोबारा जन्म लेकर के ज्ञान में आती है और राम के रूप में प्रत्यक्ष होती है। बाप उसमें प्रत्यक्ष होता है, राम बाप। तो वो 10 रथ हुए, वो 10 रथ खलास हो जाते हैं, राम की आत्मा कहां चली जाती है? कांटों के जंगल में घूमती फिरती रहती है। आज भी मुरली बोला ये तो बहुत भटका है, इससे जाति कांटों के जंगल में कोई भटकता नहीं। अब बाप आया हुआ है भटकना बंद कर देता है। तो राम की आत्मा जब जंगल में जाती है भटकती है तो 10 रथ खलास। और सीता जंगल में रहती है, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। सीता जंगल में रहती है, सीता जंगल में रहती है, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि बाहर निकलना नहीं है। लक्ष्मण रेखा खींच जाए सीता को बाहर नहीं निकालते। हाँ तो सीताएं अभी लक्ष्मण रेखा का तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है? कोई सीता ऐसी है तुम सब सीताएं हो, बोला ना? तो सीताओं में से कोई सीता ऐसी है जो लक्ष्मण रेखा न छोड़ तोड़ती हो? है सब तोड़ रही है तो सबको रावण ले जाएगा। राम छोड़ावेगा। राम है एक और सीताएं हैं अनेक। सीताएं हैं सब भक्तियां, और बाबा धीरेधर मनुआ धीरेधर मनुआ बोलते है ना, मन तो ब्रह्मा है, है? तो कब तक धीरज धरे? कब तक धीरज धरे? तब तक धीरज धरे जब तक मनुआ कंट्रोल में ना आ जाए।
क्या है? जब मनुआ कंट्रोल में आ जाएगा तो धीरज की बात खत्म हो जाएगी। आखिरी बैल पर सवारी होगी कि नहीं होगी, कि बैल ही सवार होता रहेगा? बैल के ऊपर शंकर की सवारी दिखाते हैं, ये संपन्न स्टेज की यादगार है। और शंकर के ऊपर कौन सवार होता है? शिव जानवर में आता है या शिव मनुष्य में आता है? हैं? बाप तो कहते हैं मैं मनुष्य तन में आता हूं, मैं कोई जानवर में प्रवेश करता हूं क्या? तो बाप का पार्ट मनुष्य तन में है, जानवर में बाप प्रवेश नहीं करते, न कच्छ मच्छा बता लेते हैं। बाबा संगम युग महोत्सव का युग है ना, उसमें 50 साल तो चले गए ब्रह्मा के। हैं? ब्रह्मा के 50 साल कब कट हो गए ना संगम युग में? 100 साल का संगम। हाँ, उसमें 50 साल ब्रह्मा के खत्म। 50 साल कहाँ से कहाँ तक? 69 से शरीर छोड़ा तब से 18। 69 से शरीर छोड़ा? हाँ, तब से और 18 2000। हाँ, 50 साल में मौज क्या मनाई कृष्ण की आत्मा? कृष्ण की आत्मा ने मौज क्या मनाई? हाँ, कृष्ण की आत्मा किसके शरीर से मौज मनाती है? अरे मौज मनाना, दुख मनाना या सुख मनाना शरीर के साथ होता है कि बिना शरीर के साथ होता है? अरे दोनों भागीदार हैं दुख सुख के। क्या हद में भी भागीदार और बेहद में भी भागीदार? तो एडवांस को पता, काले बनते हैं तो भी भागीदार और गोरे बनते हैं तो भी भागीदार। विकारी सुख के, विकारी दुनिया के मालिक बनने में भागीदार, और निर्विकारी दुनिया के मालिक बनने में भी भागीदार। तो कृष्ण की आत्मा कभी सुखी नहीं होती है? एक ही तो शरीर है, दिखता तो राम का ही है, दिखाई तो राम का ही है। देखने वाले तीसरे नेत्र से भी तो देखते हैं। तो कोई की बाहर की दो आंखें देखती है और कोई के, अब ब्रह्मा कुमारियों से पूछो जाके वो किसको देखती है, वो राम को देखती है कि कृष्ण को देखती है? वो तो कृष्ण को ही देखती है। तो दिखाई नहीं देता है? तो अब जब कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण तो बच्चा है, बाप कहाँ से दिखाई देगा? नहीं, राम बाप उनके सामने जाते ही नहीं ना। शिव बाबा जो है उनके सामने जाते ही नहीं। किनके सामने? ब्रह्मा कुमारी के सामने। हाँ, तो उनको बाप अपने बच्चों के सामने जावेगा कि उनके सामने जावेगा, जिनको सुनाने के लिए आता ही नहीं है? मैं तुमको सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेते हैं। वो कहाँ देखती है? ब्रह्मा कुमारी कहाँ देखती है? क्या कृष्ण को मौज मनाती हुई? कृष्ण को मौज मनाती हुई वो कैसे देखेंगी? वो तो साक्षात्कार में देखती है। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग की चीज है, ज्ञान मार्ग की चीज थोड़ी है। तो वो तो भगत है, जो बाप को जानते हैं वो ज्ञानी, बाप को नहीं जानते हैं तो भगत अज्ञानी। भगत दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी होंगे। वो दुखों की शूटिंग कर रहे हैं, और तुम बच्चे, तुम बच्चे मनसा से सुखों की शूटिंग करते हो। जो हमने पाया सो किसी ने नहीं पाया। जब अज्ञानी थे तब समझते दीदी दादियां बड़ी सुखी हैं, बीड़ी दादियों को जो मिला सो हमको नहीं मिला, इन दादाओं के तो भाग्य ही बड़े अच्छे। और आप क्या समझते हो? हैं? अरे ये ऋषि मुनि सन्यासी तो कुछ भी नहीं है। और बाबा, है?
शंकर के गले में बड़ा नाम शंकर के गले में बड़ा नाम दिखाते ना, वो कौन से धर्म की आत्मा है? कौन से धर्म की आत्मा है? मोही महर्षि कुल कुल की आत्मा होगी है? गले में काय की फांस लगती है, मोह की फांस लगती है गले में, काम विकार की फांस लगती है कमर में, क्रोध और लोभ की फांस लगती है दोनों भुजाओं में, और अहंकार फांसता है सबसे ऊपर। ऊपर भी तो एक सांप है, विष्णु के तो ऊपर पांच सांप हैं और शंकर के ऊपर एक सांप है, वो कौन है? है अहंकार, देह अहंकार। देह अहंकार कहो, बैल कहो, बात एक ही है। वो बैल अभी शंकर के ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? है बैल सवारी करता है शंकर के ऊपर घड़ी घड़ी। एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि हाई जंप लगावेगा और बैल पर सवार हो जाएगा। कर्ण का पाठ कौन सा? कर्ण माने क्या है? कर्ण माने क्या? कान। तो किसके कान ने सबसे पहले सुना है? किसने सुना सबसे पहले? अरे शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सबसे पहले किसने सुना? ब्रह्मा ने सुना। अभी भी सबसे पहले कौन सुनती है? है ब्रह्मा की आत्मा ही सबसे पहले सुनती है। और सबसे जाति कौन सुनती है? हैं? अरे कान ब्रह्मा की आत्मा पहले सुनते हैं, और सबसे जाति कौन सुनते हैं? ब्रह्मा ही सबसे जाति सुनता है। तो वो ही तो कर्ण हुआ। उस कर्ण की पालना यज्ञ के आदि में किसने की? कोई दास दासी था या नहीं था? कर्ण को किसने पाला? किसका पुत्र कहा जाता है? सूत पुत्र। सूत माने दास। तो यज्ञ के आदि में उनकी पालना किसने की है? अरे यज्ञ माताएं थी ना, दो ब्रह्मा बाबा को कंट्रोल करने वाली कौन थी? यज्ञ माताएं थी, उनमें एक माता तो मुखिया थी, तो जो माता मुखिया थी सुनने सुनाने में तीखी थी, उस माता का पार्ट क्या है? है? जगदम्बा। तो जगदम्बा क्या बनेगी? तुलसी का पार्ट है। तुलसी आंगन में बैठाई जाती है, बेडरूम में नहीं। तो कौन सा पार्ट हुआ? दासी का पार्ट हुआ। दासी ने पाला था तो सूत पुत्र कहा जाता है। लेकिन बीज किसने डाला? उसकी जो पैदाइश हुई कर्ण की, वो बीज किसने डाला? है ज्ञान का बीज डालने वाला ज्ञान सूर्य, वो कौन था? है शिव बाबा प्रजापिता के थ्रू वो बीज डालने वाला बाप हुआ। माता कौन थी? है? अरे वो माता
पांडवों के साथ रही ज्यादा जिंदगी में या कौरवों के साथ ज्यादा रही? पांडवों के साथ रही। उसने अपना जीवन किसके साथ रहकर बिताया? है कौरवों के साथ बिताया। कौन है कुंती? फिर दो माताएं थी पांडवों की, एक कुंती और एक माद्री। माद्री माद्री मंद रही जिसकी बुद्धि, उससे दो छोटे बच्चे पैदा हुए, नकुल और सहदेव। और कुंती से तीन पुत्र पैदा हुए, कौन कौन? युधिष्ठिर, जो आज से अंत तक युद्ध में स्थिर रह करके लड़ाई लड़ता है, हिलता नहीं है, अनिश्चय बुद्धि नहीं होता। दूसरा भीम, भीम कर्मा, भयंकर कर्म करने वाला, सौ कीचकों को पकड़ा जिसने, सौ कौरवों को मारा जिसने, ढेर के ढेर राक्षसों को जिसने मार गिराया, भीम। और तीसरा अर्जुन, जिसने अर्जन किया, ऐसा ज्ञान अर्जन किया जैसा ज्ञान का अर्जन और कोई भी धर्मी नहीं कर पाता। तो अर्जुन और किसकी लड़ाई हुई? कर्ण। कर्ण बहुत तीखा था, लेकिन लड़ाई किसकी तरफ से लड़ा? कर्ण भगवान को नहीं जानता था क्या? है जानता था, पर जानते हुए भी साथ किसका दिया? कौरवों का साथ दिया। और शंकर पार्वती को युगल नहीं कही है, शिव की दो पुत्र तो बताते हैं ना कार्तिकेय। शंकर वाली आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है और पार्वती वाली आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है, वो दोनों अभी पति पत्नी है या ब्राह्मण ब्राह्मणी है? तो भाई बहन हुए या पति पत्नी है? भाई बहन है, उनकी जोड़ी नहीं कहेंगे। शिव की जोड़ी इस संसार में आने के बाद किसके साथ बनती है? अरे नाम भी साथ साथ बोला जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ। शिव बाबा की जोड़ी शंकर के साथ है। जोड़ी समान वालों की होती है या असमान की होती है? वो भी निराकार, वो भी निराकार बन जाता है। दोनों निराकारी स्टेज में स्थित हो जाते हैं तो दोनों की जोड़ी है। शिव की जोड़ी शंकर के साथ है। शिव आता है तो किस में प्रवेश होके प्रत्यक्ष होता है? शंकर में प्रवेश होके प्रत्यक्ष होता है। तो पहली पहली जोड़ी कौन हुई? शिव शंकर हुआ। और गंगा पुत्र है, शांतनु
भूल गए और टीवी देख देख के पीछे का भूलते चले जाते हैं, नहीं भूलते, देखा ही नहीं। लो आधी टीवी देख ली, बस सभा में आके सुनाना शुरू कर। देखो हम भी विद्वान पंडित आचार्य, भीष्म पितामह का पिता दिखाया जाता है शांतनु, क्या नाम दिया शांतनु, जिसको शांति है ही नहीं, एक पत्नी करेगा फिर भी अशांत, फिर दूसरी पत्नी करेगा फिर अशांत, जीवन में शांति ही नहीं। उसका नाम पड़ा है शांतनु। और जी कि विमुख है, कहाँ है सन्मुख? अरे अरे बैल सन्मुख है कि विमुख है? अभी वो अपने को गीता का भगवान मानता है या गीता के भगवान का बच्चा मानता है? वो कहता मैं बाप हूँ, वो कहता मैं बाप हूँ। तो विमुख है या सन्मुख है? है विमुख हो गया, वो ही दिखाया गया है उसको, तो मुसलमान कब्जा किए। अरे मुसलमान कब्जा नहीं करेंगे तो ब्रह्मा के ऊपर कौन कब्जा करेगा? शिवलिंग पर। अभी ब्रह्मा कुमारियां जो बेसिक नॉलेज में चल रही है वहाँ विधर्मियों का कब्जा है या सुधर्मियों का कब्जा है? विधर्मियों का ही तो कब्जा है। बैल पर नहीं बाबा कब्जा है, शिवलिंग पर मुसलमानों का। अरे जब शिवलिंग के ऊपर बैल सवार है और बैल के ऊपर विधर्मी सवार है तो दोनों का ही, दोनों के ऊपर ही कब्जा हो गया ना। और बाबा शंकर के सिर के ऊपर आधा चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा अधूरी पढ़ाई पढ़ी है या पूरी पढ़ाई पढ़ ली? तो अधूरा चंद्रमा है यह संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा ही चंद्रमा है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। जब अधूरा है तो सर के ऊपर क्यों धारण कर लिया? हमको क्यों नहीं धारण कर लेता? हम भी तो अधूरे हैं, हम सबको सर के ऊपर धारण कर ले, क्योंकि बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है। ज्ञान की दृष्टि से बाप जानता है ये जो मनुष्य सृष्टि है उस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, पहला प्रिंस यही कृष्ण बच्चा बनने वाला है। जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा तो यही बच्चा सबसे तीखा चला जाएगा। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो बाप का विरुद्ध है कि बच्चों के साथ आता है और बच्चों के साथ ही जावेगा, अकेला तो नहीं जावेगा। तो बाप बच्चे को आगे रखता है, विरुद्ध तो दोनों का है। बाप का विरुद्ध है फादर सोस सन्स, और बच्चों का भी विरुद्ध है सन सोस फादर। लेकिन पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है, वो अपना काम पहले कर लेता है। तो बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करता है पहले, इसलिए सर माथे पर रखा हुआ है।
दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसकी सारी सेवा शुश्रूषा करते हैं, पालना करते हैं, तसल्ली से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अंत में सारे जीवन की कमाई बच्चे को सौंप देते हैं। तो आस रहती है कि घर में बच्चा पैदा हुआ ये हमारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, तो सर माथे पर रखना होता है ना बच्चे को। बच्चे ने कोई ऐसे पूर्व जन्म में कर्म किए हैं जो माँ बाप से आकर के पालना लेता है, माँ बाप को दास दासी बना के रखता है, तो बच्चा श्रेष्ठ हुआ या बाप श्रेष्ठ हुआ? कर्मों के हिसाब से बच्चा श्रेष्ठ हुआ। इसलिए चंद्रमा को कहाँ रखते हैं? सर माथे पर रखते हैं। और शकुनी वाले पक्षी है तो वो शकुनी मामा है? शकुनी मामा भी है ना मामा? का नाम भी शकुनी है लेकिन वो बाज की तरह पक्षी है, जैसे बाज होता है पक्षियों में तो क्या करता है? सांप के ऊपर आक्रमण करता है। क्या क्या शकुनी की शत्रुता पांडवों से ही थी, कौरवों से नहीं थी? कौरवों से भी वो शत्रुता रखता था। उसकी बहन गांधारी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बहन अंधे के पल्ले पड़ जाए जाके, उसको खुंदक थी इस बात की कि मैं इस परिवार को नष्ट कर दूंगा। लड़ाई लड़वा देता हूं। और मैं शरीर करते जाऊंगी, आत्मा पावरफुल होगी। शरीर इतने सड़ रहे, आत्मा तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं पावरफुल होगी। आत्मा पावरफुल होती नहीं, एक एक स्तर पर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? काम नहीं कर रहे ना शरीर में। क्या शरीर इतना सड़ रहा है? फिर भी आत्मा डटी हुई है ना? और दुनिया वाले दुनिया भी रास्ता पकड़ लिया या डटी हुई है? डटी हुई दुनिया में 500-700 करोड़ आक्रमण करने वाले, अब आत्मा का सहयोगी सिर्फ बाप, तो आत्मा डटी हुई है ना? क्या डटी है? पावर क्या अनुभव करेगी? पावर क्या पावरफुल बन रही बोला ना? हाँ, आत्मा पावरफुल बन रही है। कहाँ बन रही? बाप आया हुआ है, ये नशा चढ़ेगा तो खुशी आएगी कि नहीं आएगी? और अगर बाप नहीं आया हुआ तो दुखी हो जाएगी। नशे की बात है, अपना नशा अपना अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और नशा उतर क्यों जाता है, नशा चढ़ क्यों जाता है, उसका भी कोई कारण है या नहीं है? वो कारण का निवारण कर दें, खुशी ही खुशी आएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात, एक बात दूसरा को, एक बात अगर बुद्धि में बैठ जाए प्रैक्टिकल जीवन में तो खुशी ही खुशी। बाबा
आपने सिंगम सिंगम पर आकर हमें ऐसे ज्ञान दिया प्योरिटी का, उसकी उसके उसके वास्ते हम इतने अच्छे बन गए कि हमारे जो क्यों लगता है बाप को याद करना और है ना खुशी खुशी इतनी बढ़ती है, इतनी खुशी बढ़ती है। हर रोज अरे जब से ज्ञान में आया ना उससे हम दो साल हुए, दो साल से इतनी खुशी से उठता सुबह आप तो और भाई भी उठते होंगे सब, लेकिन ना इतनी पर्वती की बात होती है, अरे खुशी से सब कुछ करता हूँ और खुशी रहती है। जब बाबा कब आए ऐसी राह देखता रहता है, बाबा कब आएंगे ऐसी राह देखता, बाबा कब आएंगे, बाबा को जब याद करो तभी बाबा आ जाता, बाबा को याद करते इसलिए बोल रहा हूँ बाबा को याद। अमृत वेले शिव बाबा तुम्हारे पास आता है कि नहीं आता है? वो तो आता है लेकिन आओ आओ अलग तो नहीं बाबा सवन एक एक बोला ना है सवन का एक एक है तो वो 18 से गिनना शुरू होगा ना। अरे कोई भी दुनिया में संबत शुरू होता है तो एक के ऊपर संबत शुरू होता है कि दो चार के ऊपर संबत शुरू होता है? विक्रम संबत है। विक्रमादित्य ने कब जन्म लिया तो उसका संबत बना दिया। ख्रिस्ती संबत है। क्राइस्ट ने कब जन्म लिया तो उसका क्रिश्चियन संबत बना दिया। हिजरी संबत है। मोहम्मद साहब ने कब जन्म लिया तो हिजरी संबत बना दिया। एक के ऊपर ही तो संबत की शुरुआत होती है। तो हम ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो एक अव्वल नंबर निकलेगा, संपन्न स्टेज प्राप्त करने में। तो जब से एक की संपन्न स्टेज बनेगी तब से ही संबत एक एक शुरू हो जाएगा। पर सुख में तो दिन गिने जाते नहीं ना। हाँ तो क्यों एक एक सुख में दिन गिने जाते नहीं? वो सुख होगा संगम युग में सारी दुनिया के लिए। ये तो सारी दुनिया की बात है, एक की बात थोड़ा ही है। एक के लिए सुख हो जाएगा, आठ के लिए सुख हो जाएगा, या जो भी उस माला में ऐड होते जाएंगे संपन्न बनते जाएंगे उनके लिए सुख हो जाएगा, बाकी सारी दुनिया सारे विश्व पर राज्य करना है या दो चार आठ के ऊपर ही राज्य करना है? और है पशुपति नाथ के मंदिर में शिवलिंग को दो तरफ माता मूर्ति दिखाए है, तो राजाओं की मूर्ति की भी पूजा भी करते हैं पशुपति नाथ में। हाँ शिवलिंग को दो तरफ मूर्ति देता बताया। हाँ और करके राजा की मूर्ति की भी पूजा करते हैं। दो तरफ बुक से क्या कनेक्शन राजाओं का? अलग है। अरे तो यहाँ दो ही तो आत्माएं मुख्य हैं, एक बेसिक में ब्रह्मा बाबा और एडवांस में शिव बाबा, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। राजाओं की मूर्ति क्यों पूजते मंदिर में? क्यों राजाएं पूजनीय बने नहीं है नेपाल में? एक राजा की बहुत राजाओं की ऐसी मूर्ति पूजा है। अरे बहुत राजाएं ही पूजनीय बने हैं। जो 108 की विजय माला तैयार होती है वो अनेक राजाएं नहीं है, हैं? नेपाल में ही ये खास यादगार है, उन्होंने ही नई दुनिया की पालना की है। नई दुनिया है ही सतयुग, और दूसरे देश नई दुनिया की पालना नहीं करते। वो नेपाली है ही ऊंची स्टेज वाले, जन्म जन्मांतर की ऊंची स्टेज वाले हैं। सारे भारत पर आक्रमण हुआ विदेशियों का,
नेपाल के ऊपर विदेशियों का आक्रमण नहीं हो पाया, आज भी स्वतंत्र पहाड़ों की ऊंची स्टेज पर बसा हुआ है। इंडियन को वैल्यू नहीं देते, एडवांस पार्टी की वैल्यू देते हैं इंडियंस, देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो नई दुनिया की पालना करने वाले प्रसिद्ध होंगे उनके हिंदू लोग वजू देते हैं, मैं तो देते हैं नहीं देते हैं। और काठमांडू का मतलब काठ माने लकड़ी और मंडू को माने मेंढक। क्या जब उसका नाम काठमांडू पड़ता है तो वो लकड़ी का मेंढक बन जाता है? क्या एक तो कुएं का मेंढक होता ही है प्रसिद्ध, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं शशि चक्र के बारे में, वो तो सारी दुनिया कुएं का मेंढक है आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से। लेकिन खास नेपाल के लोग, खास नई दुनिया को पालना करने वाले सूर्यवंशी क्या बन जाते हैं? काठमांडू, काठ के मेंढक बन जाते हैं, कठ बुद्धि पत्थर बुद्धि। वो ही नेपाल में है, पारसनाथ का गायन है, पारसनाथी भी वो ही बनता है और पत्थरनाथ भी वो ही बनता है। है? बन जाएंगे तो कैसे? बन जाएंगे, बने हुए नहीं है, नहीं है। अभी क्या है? अभी कठ बुद्धि पत्थर बुद्धि है या नहीं है? है? नहीं है। फिर नाक रगड़ते जाते हैं, रोते जाते हैं, हमारा शरीर शरीर हमारा शरीर सड़ गया, हमारी आत्मा भी सड़ गई। आत्मा का भी नशा नहीं है, शरीर का भी नशा नहीं है। फिर वही एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी की ही बात करो। नेपाल वाले, हाँ नेपाल, नई दुनिया बेहद की नई दुनिया की पालना करने वाले वो नेपाली है, ये नेपाली है? कौन से नेपाली? इसी एडवांस पार्टी में से कुछ चुनी हुई आत्माएं निकलती हैं जो नई दुनिया की पालना करने के निमित्त बनती है, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया। क्या बोला? तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, तो कोई तो बच्चे होंगे जो नई दुनिया का फाउंडेशन डाल रहे हैं। और दुनिया में भगवान को गालियां देते हैं, अभी भगवान तो आया है तो कब समझ जाएंगे? ग्लानी करना कब खत्म होगा? बेचारे ग्लानी सुन नहीं पा रहे, कान कच्चे हो गए। अरे गाली चिपक जाती है क्या? कोई ग्लानी करता है तो ग्लानी हमारी चिपक जाती है क्या? हम चाहे तो उसको सुने या एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। हम क्यों इतने देह अभिमानी बनते हैं? सबसे जास्ती ग्लानी और सबसे ज्यादा गालियां कौन खाता है? भगवान सबसे जास्ती गालियां खाता है, फिर उसको महसूस क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं कहता कब होगा ऐसा? क्योंकि आत्मा अभिमानी है। हम भी अगर आत्मा अभिमानी बनेंगे तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, उसके कहने का उसकी गालियों का हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। बकते रहो, बकेगा, गालियां देगा, अपशब्द बोलेगा, अपना मुंह खराब करेगा कि हमारा मुंह खराब होगा? तो पाप किसके ऊपर चढ़ेगा?
और सीधी सी बात, काले कृष्ण को गालियां देते हैं या गोरे कृष्ण को गालियां देते हैं? तो जब तक हम काले हैं तब तक है, हमको गालियां सुननी पड़ रही है। गोरे बन जाएंगे तो गालियां बंद, हमारी महिमा होने लगेगी। यहां तक आवाज नहीं आ रही है। उत्तर दिशा में वो पानी इसलिए पहुंचता है कि उत्तर दिशा में जो देवता है अष्ट देवों में से, वो कौन सा देवता है? कुबेर। कुबेर के पास क्या होता है? अपार धन संपत्ति होती है। वो धन संपत्ति हद की है या बेहद की है? बेहद की धन संपत्ति है। तो शिव के ऊपर जो जल चढ़ाया जाएगा, कौन चढ़ाता है जल? अज्ञानी। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कौन चढ़ाता है शिवलिंग के ऊपर जल? कौन चढ़ाता है? कौन? विक्रमादित्य चढ़ाता है। तो ये संगम योगी ब्राह्मणों की दुनिया में पूछ रहे हैं तो आप द्वापर युग की बात कर रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में शिवलिंग के ऊपर जल किसने चढ़ाया? अरे पहले पहले किसी ने चढ़ाया होगा, जब इधर चढ़ाया वो ही शिवलिंग और उसी को वो खुद चढ़ाने वाला है। कौन सी माता? बड़ी माता ने चढ़ाया। हाँ, जिसे लिंग कहा जाता है वो शरीर का सूचक है, मुकर्रर रथ का सूचक है। वो मुकर्रर रथ कभी तो बेसिक में ज्ञान में आया ना, तो जब बेसिक में ज्ञान में आया तो कोई ज्ञानी ने उसके ऊपर जल चढ़ाया, ज्ञान जल चढ़ाया, या ज्ञानी भगत ने चढ़ाया? है ज्ञानी ने चढ़ाया, अज्ञानी भगत ने जल चढ़ाया। वो अज्ञानी भगत उसको समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? है नहीं समझा सकता है। भक्त जो है वो लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वो यादगार चल रही है भक्ति मार्ग में। हम भी क्या करें, जीवन में अगर हमको सुखी होना है तो हम भी क्या करें? जिसने पहले पहले जल चढ़ाया वो कितना सुखी हो गया संसार में। 500 करोड़ के बीच में सबसे ज्यादा सुखी कौन होता है? वही आत्मा जिसने पहले पहले जल चढ़ाया। जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा दूध होता है और बाकी सारा पानी होता है। तो उसने जो जल चढ़ाया उसमें दूध ज्यादा था या कम था या निरा दूध था? थोड़ा सा दूध था बेसिक नॉलेज के बतौर, और सारा का सारा पानी था। तो जो पहले भक्त ने जो काम किया तो सब भक्त वही काम करना शुरू कर दिया। सब भक्त मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं कि जल चढ़ाने से हम भी जन्म जन्मांतर के क्या बन जाएंगे? सुखी बन जाएंगे। तो जल चढ़ाने से थोड़ा ही सुखी बन जाते हैं कोई? हाँ हाँ, ज्ञान जल ही है। हाँ, सुखी बनते हैं। मनन चिंतन मंथन करें, नया मक्खन निकालें,
और वो मक्खन निकाली हुई बातें हैं वो दूसरों को बांटे। जितनी जास्ती बांटेंगे तो हमारा सुख बढ़ेगा। ये कार्य लक्ष्मी ने सबसे जास्ती किया। ज्यादा ज्ञान जल किसने बांटा? लक्ष्मी ने बांटा। असुर पहाड़ों में तप किया और शंकर प्रसन्न होके उनको वरदान दिया। शायद भस्मासुर की बात कर रहे हैं। असुर ने उस वरदान का दुरुपयोग किया तो शंकर ने उसको फिर भस्म कर दिया। इसका क्या मतलब है? अरे कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको प्रतिफल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तपस्या सबसे अच्छा कर्म है। ब्राह्मणों की दुनिया में तपस्या क्या चीज है? आत्मिक स्थिति में रहना, यही तपस्या है। शरीर को तपाने वाली बात है आत्मिक स्थिति में रहना। तो भस्मासुर ने ये तपस्या तपी होगी, उसको वरदान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वरदान मिला। लेकिन वरदान देते समय ये भी कह देते हैं इसका दुरुपयोग नहीं करना। उसने दुरुपयोग किया तो उसका भी फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दुरुपयोग करते 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 पाप का घड़ा भर गया तो उसको भस्म करना पड़े। बाबा शंकर गंगा को अपनी जटाओं में क्यों बांध लेता है? है? गंगा को अहंकार आ जाता है कि मेरे वेग को कोई दुनिया में सहन नहीं कर सकता है। तो शंकर जी उनकी उनके देह अभिमान को खत्म करने के लिए जटाओं में बांध के रखते हैं। वो ज्ञान की जटाएं हैं। फिर दोबारा भागीरथ तपस्या करते हैं तो उनको मुक्त कर देते हैं। संसार का कल्याण करो। ब्रह्मा के तन में शिव को न याद करके जो सिर्फ ब्रह्मा को याद करते उनको शरीर छोड़ना पड़ा, वो संपूर्ण नहीं बने। तो राम वाली आत्मा में जो शिव को याद न करके सिर्फ राम के शरीर को याद करते हैं उनका क्या होगा? बल बाबा कहते हैं शिव को याद करो। पर बार बार बुद्धि देहधारी में चली जाती है। तो कल्याण होगा या अकल्याण होगा? क्योंकि ब्रह्मा का रथ टेम्परेरी रथ था और राम वाली आत्मा का रथ मुकर्रर रथ है। भगवान की
चरणों की धूल को भी लेकर के कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर लगाते हैं। धूल माने क्या? भगवान का तो देहभान भी हमको नसीब हो जाए। धूल माने क्या? देहभान की धूल तो भी हमारा सौ अहो सौ भाग। तो बोला मुरली में कि सूक्ष्म रूप याद नहीं आता है, छोटा रूप याद नहीं आता है, बिंदी याद नहीं आती है, तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। तो वो बड़ा रूप साकार है या निराकार है? साकार है। अरे उसको भी याद करते करते वो साकार की भी निराकारी स्टेज आफरीन बनती है। तो जब उसकी निराकारी स्टेज बनेगी तो हमारी भी बन जाएगी।